नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज में अपने बेटे का ऑपरेशन कराने आई गरीब महिला ने एक डॉक्टर पर पैसे लेकर ऑपरेशन न करने का आरोप लगाया है। मामला मीडिया में आने के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। भगवान का रूप कहे जाने वाले चिकित्सकों को शर्मसार करने का ये मामला सिद्धार्थनगर जिले के मेडिकल कॉलेज में आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट से जुड़ा है। जिले के एक गरीब परिवार ने मेडिकल कॉलेज में तैनात आर्थोपेडिक सर्जन आकाश मद्देशिया पर आरोप लगाया कि सड़क दुर्घटना में घायल अपने 25 वर्षीय नौजवान बेटे साहिद का इलाज कराने व मेडिकल कॉलेज आए। यहाँ पर हड्डी के डॉक्टर आकाश मद्देशिया ने उनके बेटे का इलाज शुरू किया। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर आकाश ने उनके बच्चे के इलाज के लिए ऑपरेशन के नाम पर 5,000 रुपए मांगे। गरीब होने के बावजूद उन लोगों ने उधार लेकर डॉक्टर को पैसे दिए। डॉक्टर ने उनके बेटे का ऑपरेशन करने के बाद दूसरे ऑपरेशन के लिए और पैसे की मांग शुरू कर दी। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर आकाश आगे के ऑपरेशन के लिए उनसे और पैसे की मांग कर रहे हैं। पीड़ित परिजनों का कहना है कि वे अब अपने बेटे का इलाज कराने के लिए गोरखपुर कैसे ले जाएं? उनके पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। इन लोगों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उनके गरीबी पर तरस खाते हुए उनके जवान बेटे का समुचित इलाज शासन की मंशा के अनुरूप इसी अस्पताल में किया जाए। मामला है भैया, गरीब आदमी हम आए सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल पर आए, जो बढ़िया दवा हुई, बढ़िया डॉक्टर है, तो हमारे बच्चे का पैर टूट गया, तो इलाज भवा जाँच करी, कागज पत्र बना, तो जब डॉक्टर आए तो कहें चलो तुम्हारा बच्चे का ऑपरेशन हुई, तो चलो भैया ऑपरेशन हुए, चलो बढ़िया से कह दिए, और तब के बाद कहा था जब 5,000 रुपया देबो तब तुम्हारे बेटे का ऑपरेशन हुई, तो ठीक है भैया हम गरीब आदमी चाहे जहाँ मांग जूझ के उधार बाड़ी भीख मांग के हम लाए के आप लोगों के दिहन डॉक्टर भैया का हड्डी डॉक्टर का दिहन, तकरे बाद आधा हमार बेटा गोड़वा ऑपरेशन करी, आधा नहीं कह पाई हमें बता निकाल दी लड़कवा हमार बेटा हुआ का कहते और पैसा लाओ, तो भैया हम जो पाइन मांग जूझ के करे उधार बाढ़ी तो हम तुम्हें दे दिन भैया हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे बेटे का ऑपरेशन कर दो, हमारे भाई आवत हैं तो हम यहीं रहावे अस्पताल में रह, तो पैसा भैया तुम्हें दे देब, तब तो डॉक्टर हड्डी वाला डॉक्टर नहीं माना हमारे बच्चे का निकाल दीस, हम रोए गाय के बच्चे के लेके चले आए हम गरीब पाए ही पड़ा है, हमार मजबूरी कोई नहीं देखा भैया, हमारे बच्चे का ऑपरेशन कर दे, गरीब आदमी हमारे बेटा का दवाई कर दे, जवान बेटा हमारे बेटा कुछ हो जाए, जिंदगी भर हमें झांक खेखा कर बच्चा है, मेहरारू है बेटा अटू है। हाँ। ऐसा है, कल हमने डॉक्टर विमल कुमार द्विवेदी जो वरिष्ठ अस्थिरोग विशेषज्ञ हैं उनसे इस मरीज के बारे में बात की थी, तो उन्होंने बताया एक ऑपरेशन ऐसा है जो यहाँ आराम से हो सकता है वो हम लोगों ने कर दिया है, दूसरा ऑपरेशन मल्टीपल फ्रैक्चर है उसको यहाँ एनेस्थीसिया की वो सुविधा नहीं है जो होनी चाहिए, इसलिए उसको गोरखपुर भेजना पड़ेगा। जहाँ तक पैसा लेने के आरोप की बात है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं इसको इंक्वायर करूँगा और इस पर अगर जरा भी किसी गलती पाई गई तो सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अब बताया जरूर होगा, मुझको तो यही सूचना है, मैं इसको फिर से पता करता हूँ, मेरी नॉलेज में यही कि एक ऑपरेशन उसको बता किया गया और ये हुआ कि दूसरे के लिए इनको गोरखपुर भेजा जाएगा। पैसे की जो बात आ रही उसको मैं अभी इंक्वायर करूंगा कि क्या कैसे हुआ, इस पर एक समिति बनाऊंगा, देखूंगा, अगर कोई गलती निकली तो सख्त सजा दी जाएगी जो भी पॉसिबल होगा। मेरे पास ऐसा कोई केस उनका नहीं पहुँचा है, ये पहली बार आया है, मैं देख लूँ फिर बताता हूँ। अभी देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।